बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग फिशर प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो कि आपको क्रॉस सेक्शन से मुतालिक है। आपने क्रॉस सेक्शन का डेटा जस्ट इस प्लान के अंदर इनपुट करना है, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन को इसने ऑटोकैड के अंदर भी बना देना है। उसका एरिया भी आपके सामने पूरा टोटल आ जाएगा, कार्टफिल का एरिया भी सारा आ जाएगा आपका, और ये जो प्लान आपको एक्सेल के अंदर नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा प्लान आपका ऑटो कैड के अंदर भी बनेगा। तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को ये लिंक ओपन करके सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस प्रोग्राम को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। इसके अंदर जस्ट आपने जैसे नेक्स्ट आईडी ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये बटन विजुअल बेसिक वाला बटन है, आप इसको प्रेस करते जाना है, तो ये जैसे ऑटो कैड के अंदर ये आपके क्रॉस सेक्शन सारे बनते जाएंगे। ये आपके सामने, ये आप एक्सेल के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा इधर से चेंज होता जा रहा है, सारे इसके एलिवेशन वगैरह चेंज होते जा रहे हैं, पूरा डेटा इधर से इसका चेंज होता जा रहा है सारा। तो ये प्रोग्राम आप कैसे इसको बना सकते हैं, इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों आडियो का ऑप्शन रहेगा, आप इसके साथ अपनी आईडीज को इधर चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का आपका कैसे काम करेगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रोग्राम हमारा दो फॉर्मेट के अंदर काम करेगा। अगर आप सिंगल क्रॉस सेक्शन वन ऑटोकैड शीट को बनाना चाहते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन आपका इस फॉर्मेट के अंदर बनेगा, इस तरह बनेगा, जिसके अंदर आप नीचे NSL डिस्टेंस एलिवेशन, ऊपर आपके पास FRL फिश रोड लेवल के डिस्टेंस एलिवेशन, बॉटम ऑफ सब ग्रेड, और नीचे NSL की लाइन, और उसके टू पॉइंट्स वगैरह स्लोप साइड की, और इधर साइड के ऊपर आपके डाटम एलिवेशन, और ऊपर आपका एरिया कट और फिल दो किस्म का एरिया इधर आपका आएगा। तो ये आरडी को फॉर्मेट होएगा, सिंगल आरडी के ऊपर आप बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। वन क्रॉस सेक्शन के ऊपर के आप उसको कैसे बनाएंगे, इसी तरह 00 क्रॉस सेक्शन है, 050 वाला क्रॉस सेक्शन है, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह आगे आप आते हैं तो ये मेरे पास 0+100 वाला क्रॉस सेक्शन है, 150 वाला क्रॉस सेक्शन है। आप अलग अलग वीडियो को बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, और आप सबसे अहम इसके अंदर जो सबसे वो है, आप सिविल 3D या ईगल पॉइंट या कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखते हैं, आपके क्रॉस सेक्शन सारे वन शीट के ऊपर बने हुए होते हैं, उसका अलग अलग स्केल होता है। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये पूरी शीट आप इसको क्रॉस सेक्शन को इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। आपके जितने भी क्रॉस सेक्शन है, आप वन विंडो के अंदर आपके पास ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन इसी तरह बनेंगे, पूरा आप एक एक के अंदर बना सकते हैं। इसके अंदर आप डिस्टेंस भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं कि आप राइट साइड के ऊपर कितना डिस्टेंस को बनाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर कितना बनाना चाहते हैं, तो ये सारे क्रॉस सेक्शन आपके उसी तरीके से बनेंगे, जैसे 0+00, 0+50 वाला क्रॉस सेक्शन हमारे पास, इसी तरह 0+100, और इसी तरह ये जा रहा है आगे, सारे क्रॉस सेक्शन आपके कट और फिल दोनों क्रॉस सेक्शन इसके अंदर आपके पास आएंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास कट वाला सेक्शन है और ये हमारे पास फिल वाला सेक्शन है, तो ये पूरे सेक्शंस, ये सारे मल्टीपल सेक्शंस भी आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाएगा। तो इस प्रोग्राम के मुताबिक आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम के अंदर दोनों किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं, आप मल्टीपल क्रॉस सेक्शन भी ड्रा कर सकते हैं वन ऑटो कैड की फाइल के अंदर, और अलग अलग क्रॉस सेक्शन भी। तो ये उसके लिए आपके पास UCS की कमांड है। अगर आप अलग अलग क्रॉस सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपने इसको 00 के ऊपर रखना है, 00 के ऊपर रखना है, और इधर से आपने 0 एंटर कर देना है, पहले नंबर के ऊपर 0 करेंगे तो ये आपकी 00 आईडी आ जाएगी। आपने प्रीवियस करना है, और उसके बाद आपने इधर से ये -1 आपके सामने आ जाएगा, आपने इधर से नेक्स्ट आईडी प्रेस कर देना है, नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो ये 00 हो जाएगी, और नेक्स्ट प्रेस करने के साथ ही आपका डेटा कॉपी हो जाएगा, जो बैक डेटा पड़ा हुआ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो आपने प्रेस करने के बाद ऑटो कैड को ओपन करना है इधर, और राइट क्लिक कर देना है कमांड बार में जाने के बाद, तो ये आपके सामने आप ये देख रहे हैं पूरा क्रॉस सेक्शन मेरा आपके सामने बन गया है, पूरा आरडी ऊपर आ जाएगी, सेंटर लाइन है, उसके एलिवेशन हैं, स्लोप है, साइड स्लोप्स हैं इसकी, टॉप पॉइंट्स हैं, और बॉटम ऑफ सब ग्रेड की पूरी डिटेल इधर है। उसके साथ ये नीचे आपके पास NSL के एलिवेशन आ रहे हैं। ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, मेरा नाम है कैसर मलिक। तो आपने ये टेम्पलेट पूरी बनी हुई है, आपने आगे जब क्रॉस सेक्शन बना लेना है, इसको ख़त्म करना है, और इधर अपनी पूरी टेम्पलेट इस जगह के ऊपर आपने एडजस्ट कर लेनी है। आपने प्रोजेक्ट का नाम, आपने टाइटल और प्रोजेक्ट जो डिस्क्रिप्शन आपका है, आप इसके अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एस कर दें, और इधर अपने कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद किसी भी जगह जाके इधर फोल्डर आप अपना बना लें क्रॉस सेक्शंस का। तो इसके बाद आप इधर से जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये आपने पहला 0+00 के ऊपर इसको सेव कर देना है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन का स्टाइल होएगा अलग अलग से। इसी तरह आपने अगर नेक्स्ट आईडी के ऊपर जाना है,
आप इधर से नेक्स्ट प्रेस कर दें तो ये हमारे पास 0+050 वाला क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। आपने इधर से इसको कंट्रोल शिफ्ट एस कीबोर्ड की मदद से दबाना है और इधर 0+050 वाला क्रॉस सेक्शन आपने इधर सेव उसको कर देना है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपने ये क्रॉस सेक्शन को खत्म कर दें और इसी फाइल के अंदर आपने दोबारा आना है, उसको आपने पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारे पास ये 0+050 वाला क्रॉस सेक्शन आ गया, जिसके अंदर इसका फिल एरिया है हमारे पास पूरा। आप इसका फिल एरिया चेक कर सकते हैं और पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आपके सामने बन जाएगा। आपने इसको सेव कर देना है, सेव करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एस दोबारा करना है और नेक्स्ट आरडी जो आपके पास है 0+100, मैंने इधर 50-50 मीटर पर मैं बना रहा हूँ, तो आपने 0+100 के ऊपर इसको सेव एस कर देना है। सेव एस करने के बाद आपने ये ड्राइंग को उसे खत्म कर देनी है। उधर से आपने इधर अपने प्लान के ऊपर आ जाना है, नेक्स्ट प्रेस करना है, ये 0+100 वाली आईडी आ जाएगी। इधर आपने कमांड बार के ऊपर आना है, इधर इसको आपने पेस्ट कर देना है। आप देखेंगे ये पूरे क्रॉस सेक्शन इसी तरह हमारे बनते जाएंगे। आप इस प्रोग्राम के हिसाब से आप इसको सेव एज कर लें। पहले नंबर के ऊपर आपने इसको सेव करना है, सेव करने के बाद आपने इसको सेव एज करना है। सेव एज आप इधर सेव कर सकते हैं, इसका ये आप हमारे पास ऑप्शन है सेव एज। आप जाएं और इसको 0+150 वाला नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर आप सेव एज करके इसको उधर से ख़त्म कर दें और उधर से इसी तरह नेक्स्ट आरडी वाले बटन को प्रेस कर दें और इधर आके आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये 150 वाला क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं इधर से रेस कर देता हूँ और करने के बाद दोबारा इधर आपके सामने बनाता हूँ। तो ये आपके क्रॉस सेक्शन, अगर आप सेपरेटली क्रॉस सेक्शन बनाना चाहते हैं अलग अलग विंडो के ऊपर, तो आप अपने क्रॉस सेक्शंस को इस तरह बना सकते हैं। ये आप ये देख सकते हैं मेरे पास इधर ये 4 क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है। मैं इसको इधर से ओपन करता हूँ। पहला मेरा सेव एज क्रॉस सेक्शन था, ये मेरे पास 0-0 का, और इसके बाद मेरे पास 0-50, और इसी तरह मेरे पास ये आ गया 0+100 वाला। तो ये मेरे पास आ गया 0-0 वाला क्रॉस सेक्शन आ गया, उसके बाद ये 50 वाला क्रॉस सेक्शन आ गया, उसके बाद 100 वाला क्रॉस सेक्शन, उसके बाद 150 वाला क्रॉस सेक्शन ये आ गया। अगर आप सेपरेटली इसको बनाना चाहते हैं, अलग अलग इसको बनाना चाहते हैं, तो आपने जैसे UCS को 0-0 करना है और उसको अलग अलग प्लाट करते जाना है, पहला मैथड का। दूसरे मैथड के ऊपर हम आ जाते हैं, जैसे -1 वाली आईडी हम लिखेंगे ताकि हमने जब उसको प्रेस करना है तो आगे आ जाए। तो इधर से आपने जब इसको मल्टीपल क्रॉस सेक्शन आपने बनाने हैं एक शीट के ऊपर, तो पहला क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपने UCS को 0-0 रखना है। 0-0 रखने के बाद आपने जैसे नेक्स्ट आरडी को प्रेस कर देना है। नेक्स्ट आरडी को आप प्रेस करेंगे, ऑटोकैड के ऊपर आ जाए कोई भी फाइल, इधर से मैं इसकी न्यू विंडो के ऊपर आ जाता हूँ। इधर से न्यू विंडो के ऊपर आऊँगा और कमांड बार के ऊपर आने के बाद मैंने इसको इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करूँगा तो आप ये देखेंगे पूरा मेरा वही क्रॉस सेक्शन इधर मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इधर प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इधर आना है नेक्स्ट, ये UCS 0 है, इसको आपने 0 रह देना है और आगे वाले क्रॉस सेक्शन का आप जितना भी गैप रखना चाहते हैं, 200 का रखना चाहते हैं तो आप 200 का रख लें, 300 का रखना चाहते हैं तो आप 300 का रख लें, जितना भी रखना चाहते हैं। तो ये इधर से आपने इसका पहला गैप दे देना है 200 का, उसके बाद आपने इधर से इसकी नेक्स्ट आरडी को प्रेस करना है। नेक्स्ट आरडी प्रेस करेंगे, ऑटो कैड की उसी फाइल के अंदर आ जाएंगे जो हमने पहला क्रॉस सेक्शन बनाया है। इधर आपने कमांड बार पर आना है और पेस्ट करना है। आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे आपका सेकंड क्रॉस सेक्शन उसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर स्पेस जो आपने दी थी उसके हिसाब से ऊपर आपका ड्रा होना शुरू हो गया। ये क्रॉस सेक्शन 0-50 का था और ये हमारा क्रॉस सेक्शन था 0-0 का। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट आ जाना है और 200 है आपने दस इसको जस्ट 400 कर देना है। 400 करने के बाद नेक्स्ट आरडी के ऊपर आपने प्रेस करना है और इधर से आपने इस फाइल के ऊपर आ जाना है और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका पहला डिस्टेंस के ऊपर जो जो से भी डिस्टेंस आप दे रहे हैं उसके ऊपर ये क्रॉस सेक्शन सारे इधर बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से 400 था, आपने जैसे इसको 600 कर देना है, नेक्स्ट आरडी प्रेस करनी है और इधर कमांड बार के ऊपर आना है और अपनी उसी मल्टीपल क्रॉस सेक्शन वाली वीडियो के ऊपर जाके और इन क्रॉस सेक्शन को आपने अब पेस्ट करते जाना है। अभी आप देख रहे हैं कि जस्ट इधर से हम UCS को चेंज कर रहे हैं और हमारा क्रॉस सेक्शन एक ही फाइल के ऊपर आता जा रहा है। इधर से नेक्स्ट आरडी को आप प्रेस करेंगे और इसी मल्टीपल क्रॉस सेक्शन वाली आरडी के ऊपर आपने आ जाना है और आप इधर इसको पेस्ट करते जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा क्रॉस सेक्शन हमारे इधर बनते जा रहे हैं। 800 था, अभी आप इसको इधर से 1000 कर देना है, नेक्स्ट आरडी प्रेस करना है और इधर से आपने उसी फाइल के ऊपर आ जाना है और इधर से आप उसको पेस्ट करते जाएँ। तो ये आपके क्रॉस सेक्शन इसी तरीके से इधर बनते जाएंगे, मल्टीपल क्रॉस सेक्शन जो भी हैं। तो ये आपके सामने मैं इधर बनाता जा रहा हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से UCS को इधर से चेंज करता जाना है अपना,
जो भी डिशेस आप रखना चाहते हैं जितने ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट आईडी के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप इसको पेस्ट करते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही यूजफुल सिंपल सा प्रोग्राम है। इसका मैं आगे आपको इनपुट डेटा के मुताबिक भी बताऊंगा कि आपने इसके अंदर कैसे इनपुट डेटा इनपुट करना, सिंपल फॉर्मेट है। तो सबसे पहले ये मैं आपको इसका पूरा कन्फ्यूजन जो आपकी वो मैं क्लियर कर दूंगा, बाद में आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सअप करते हैं तो ये आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा कि अब ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो आपने इधर से इसी तरीके से जो जो से यूसीएस मल्टीपल क्रॉस सेक्शन एक ही शीट के ऊपर आप जो भी बनाना चाहते हैं, आप इसको इसी तरीके से यूसीएस की कमांड के जरिए इसको बना सकते हैं। आपने जस्ट यूपीएस यूसीएस को चेंज करते जानना है, जैसे उसकी वैल्यू को नेक्स्ट आईडी को प्रेस करना है और ऑटो कैड के ऊपर आके आपने इसको पेस्ट करता जाना है। तो ये सेम टू सेम फॉर्मेट होएगा। मैं आपको इसका पूरी डिटेल आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा और इसका क्या तरीकाकार है। तो भैया हमने 10 क्रॉस सेक्शन स्टेट बना ली है। अभी आपने यूसीएस को इधर से 200 के ऊपर कर दें, 200 के ऊपर कर दें और इधर से आपने इसका यूसीएस पहला जीरो कर देंगे। 200 और जीरो के ऊपर करने के बाद आपने इधर से इसको नेक्स्ट आरडी को प्रेस करना है। नेक्स्ट आरडी प्रेस करेंगे और ऑटो कैड की उसी फाइल के ऊपर आ जाएंगे। इधर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो अभी आप ये देखेंगे ये तो नीचे ये क्रॉस सेक्शन मेरे पास ड्रा हो रहा है, वो कमांड लाइन की वजह से नजर नहीं आया आपको। ये हमारे पास 200 के ऊपर उसके पहले दूसरी साइड के ऊपर आ गया। इसी तरीके से आपने इधर इसको 200 ही रहने देना है और इधर से आपने इसको 200 उसका वर्टिकल डिस्टेंस कर देना है। नेक्स्ट आरडी प्रेस करनी है और इधर अपनी इसी फाइल के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने पेस्ट कर देना। तो ये आप देखेंगे कि अगर हमारे पास उसी तरह पैरेलल क्रॉस सेक्शन इधर बनते जा रहे हैं। जो भी आप इसका डिस्टेंस इधर से चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टल वो चेंज हो जाएगा, वर्टिकल आपने डिस्टेंस इसी तरह बढ़ाते जाना है। 400 के ऊपर करना है, 400 प्रेस करके वो इधर क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाएँ और इधर से आप उसको बनाते जाएँ। उसके बाद सेम टू सेम आपने यू सी एस को चेंज किया है। इधर से जस्ट आपने उसकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है 600, 800, 10,000 जितना भी आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं उधर से आपने इसकी वैल्यू को हर दफ़ा चेंज करना है। वैल्यू को आपने चेंज करने के बाद आपने इधर से नेक्स्ट आरडी आपने प्लस करते जाना है और ये आपका क्रॉस सेक्शन जस्ट आपने कमांड बार के अंदर आना है और इधर से आपने टेस्ट करके जाना है। तो ये आप देख रहे प्रोग्राम बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। तो ये आपके सामने मैं करता जा रहा हूँ, इसके में कट और फिल दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। मैं उसके आगे इसके मुताबिक पूरी डिटेल बताता हूँ आपको कि आपने उसको कैसे फिलअप करना है। इसी तरह आपने लेफ्ट साइड के ऊपर आना है और कोई डिस्टेंस आप रखना चाहते हैं, मैं 400 के ऊपर बनाना चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड के ऊपर, इधर से मैं जीरो कर दूंगा इसको। नेक्स्ट आरडी मैं इधर से प्रेस करूंगा और अभी आप देखेंगे कि हमारे पास सेक्शन लेफ्ट साइड के ऊपर बनेगा। इधर से सेक्शन कमांड बार को मैं उठाकर थोड़ा सा इधर ऊपर रखता हूँ और इधर आपके पास पेस्ट करता हूँ इधर कमांड बार के अंदर। तो अभी आप ये देखेंगे मेरे पास इधर नीचे ये क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है और इसका गैप भी ज़्यादा है। तो ये आप क्रॉस सेक्शन को सारे इसी तरह बना सकते हैं। इसके बाद आपने आपने पहला डिस्टेंस आपने वही रखना है और उसके बाद आपने इसके सेक्शंस को चेंज करके जाना है और इधर कमांड बार के ऊपर आना है और जस्ट इधर से पेस्ट करके जाना है। तो ये आपका इधर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आएगा वो 400 के ऊपर आ जाएगा पहले क्रॉस सेक्शन से गैप के साथ। तो आपने ये सेक्शंस को इसी तरह, तो ये मैं अभी समझता हूँ ये यू सी एस का जो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम था ये आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ गया है कि आपने मल्टीपल जब इसको ड्रा करना है तो आपने इसको कैसे ड्रा करना है। सिंगल क्रॉस सेक्शन के मुताबिक मैं इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ, अगर आप सिंगल क्रॉस सेक्शन बनाना चाहते हैं तो ये आपको सिंगल क्रॉस सेक्शन भी बना के देगा और अगर आप एक ही शीट के अंदर बनाना चाहते हैं तो ये आपको यू सी एस की मदद से एक ही शीट के अंदर क्रॉस सेक्शन बना के देगा। जिस तरह आपने सिविल 3D या ईगल पॉइंट के जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं जो जिस तरीके से काम करते हैं तो उस तरीके के हिसाब से। तो ये आपके सामने ये मैं पूरा ड्रा करता जा रहा हूँ सारा का सारा सेक्शन। आप इसी तरीके से यू सी एस की कमांड को चेंज करें, जैसे आप कोई भी यू सी एस की कमांड जितने डिस्टेंस के ऊपर लेफ्ट या राइट को बनाना चाहते हैं, लेफ्ट के ऊपर बनाएंगे तो आप उसका लेफ्ट साइड के ऊपर पहला डिस्टेंस देंगे और सेकेंड डिस्टेंस जो है आपका वो वर्टिकल स्पेसिंग के हिसाब से। तो आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के हिसाब से यू सी एस की कमांड्स को आप चेंज करते जाएंगे। आप जो भी जैसे उसको वैल्यू देंगे ये आपका क्रॉस सेक्शन उसी तरह उस इसके ऊपर प्लाट होता जाएगा। तो ये आपके सामने पूरा क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रा कर दिया है, जो डेटा मैंने इनपुट किया हुआ था इसके अंदर कट फिल दोनों सेक्शंस की पूरी डिटेल मौजूद है। आप इसी तरह इसके मल्टीपल क्रॉस सेक्शन को बना सकते हैं। यू सी एस की कमांड को नेक्स्ट आर डी प्रीवियस आर डी आप इसकी कमांड को समझ में होंगे। सेंटर में जो येलो जो ब्लू बटन है उसको आप क्लिक करके अपनी आर डी को वैसे भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आपने इस प्रोग्राम को पुटअप कैसे करना है ये आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये टॉप ऑफ रोड विड्थ है, ये हमारे पास सेल्स हैं सारे, इधर से मैं इनको ख़त्म करता हूँ।
ये सारे के सारे मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। तो ये आपने जस्ट इसके अंदर से ये वाले डेटे देने हैं, साइड स्लोप देनी है, रोड टॉप विर्थ, आपने अपने टीपी का सेक्शंस के ऊपर आ जाना है। टीपी का सेक्शंस के ऊपर आ जाना है, आपने टोटल विर्थ देनी है जो भी आपकी जिससे आपकी स्लोप स्टार्ट हो रही है, आपकी बेशक वो कट एरिया है या फिल एरिया है, आपने उधर तक की टोटल विर्थ इसके अंदर देनी है। अगर आप ये इधर से क्रॉस सेक्शन को सबको ऐड करते हैं, इधर से मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ इधर से, तो ये जो भी मेरे पास विर्थ होगी इधर से मैं इन सबको प्लस करता जाऊँ, तो पहला डिस्टेंस है मेरे पास 600 का 0.3 आ जाएगा क्योंकि ये बैरियर है। उसके बाद प्लस 1.275, उसके बाद प्लस 10.8, उसके बाद प्लस मैं कर दूंगा 3 मीटर और प्लस उसके बाद 0.375 तो मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। तो ये मैं फिलहाल इधर तक इसको रुकूंगा 15.57, ये राउंडिंग है आगे। तो ये आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय आप इसको 2 कर देंगे तो 31.50 मेरे पास की टोटल विड्थ आ जाएगी। ये हमारे पास इस बैरियर से लेके इस बैरियर तक, आप राउंडिंग बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आप राउंडिंग वगैरह जिससे आपकी स्लोप स्टार्ट हो रही होगी आपने वो सारा पोर्शन इसके अंदर लाजमी ऐड करना। तो ये मैं प्लस 2 कर दूंगा तो राउंडिंग समेत मेरे पास 33.50 का ये मेरे पास टोटल आ जाएगा। उसके बाद मेरी ये साइड की स्लोप शुरू होगी, तो आपने इधर एक्सेल के ऊपर आ जाना है और रोड की जो टॉप विड्थ है टोटल विड्थ वो आपने इधर लिख देनी है जो आपके पास ड्राइंग के ऊपर आ रही है। 33.50 मैंने इधर से इनपुट कर देनी है ये विड्थ। उसके बाद हमारे पास पेवीमेंट की साइड स्लोप देनी है। पेवीमेंट की जो आपकी साइड स्लोप है वो कौन सी है, आपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाना है। ये जो आप स्लोप देख रहे हैं ये साइड के ऊपर इधर आपके पास जा रही है नज़र, ये जो स्लोप जा रही है ये आपने स्लोप देनी है। ये बात प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, किसी जगह के ऊपर ये पूरी इसके साथ मैच कर रही होती है, किसी जगह पर लाद होती है। तो जो भी ये आपके पास स्लोप दी जा रही है वो आपने स्लोप इसके इस डेटे के अंदर इनपुट कर देनी है। मेरी इधर 1.5 है तो मैंने इधर से इसकी स्लोप 1.5 इधर इनपुट कर देनी है, इसकी पेवीमेंट की जो स्लोप आ रही है मेरे पास जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नीचे हमारे पास है एम्बैकमेंट की साइड स्लोप, तो एम्बैकमेंट की जो साइड स्लोप है वो कौन सी होती है वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। एम्बैकमेंट की साइड स्लोप ये जो हमारे पास जा रही है 1.5 लिखी हुई है, रोड का मोस्ट पॉइंट जिधर ये आपको मैंने बताया था कि एंड पॉइंट जिधर से आपकी स्लोप स्टार्ट हो रही है, ये जो स्लोप होती है ये एम्बैकमेंट की साइड स्लोप कहलाती है। 1.5 हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है, तो इधर से आपने इसी तरह हॉरिजॉन्टल जो है वो 1.5 और 1 वर्टिकल कर देनी है। ऊपर भी हमने इधर इसको इसी तरीके से 1.5 हॉरिजॉन्टल था हमारे पास और 1 वर्टिकल था, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आपने ख्याल रखना है, ये इसको आपने इधर ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेवीमेंट की क्रॉस स्लोप। पेवीमेंट की क्रॉस स्लोप कौन सी होती है, पेवीमेंट की क्रॉस स्लोप होती है ये ऊपर जो आपको बताई जा रही है -1.5% के हिसाब से दोनों तरफ की ये मोटर स्लोप सेम टू सेम जाती है। जिधर हमारे पास सुपर एलिवेशन का होता है उधर वो डेटा चेंज होता है, नहीं तो जनरल हमारे पास जो स्लोप इधर दी गई होती है 1.5 या 2% वो आपने देनी है। तो ये आपकी स्लोप बाहर की तरफ जा रही है तो ये -1.5 है, तो आपने इधर से इसी तरीके से -1.5 जो भी आपकी ड्राइंग के अंदर वो स्लोप आपने इसके अंदर इनपुट कर देनी है। उसके बाद पेवीमेंट स्ट्रक्चर की टोटल थिकनेस, पेवीमेंट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा होता है, पेवीमेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा ये एस्फाल्टिक वेरिंग कोर्स, एस्फाल्टिक बेस कोर्स, वाटर बाउंड और सब बेस, ये हमारे पास पेवीमेंट का डिजाइन स्ट्रक्चर होता है। इन सारी लेंथ को आपने प्लस कर देना है, हमारे पास कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है 0.05 + 0.075, उसके बाद प्लस से 0.300, उसके बाद प्लस से 0.25, ये सारी चीज़ों को आपने प्लस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.675 की टोटल उसकी पेमेंट की हाइट आ जाएगी। इससे नीचे वाला जो एरिया होगा वो हमारा इम्बैकमेंट का एरिया होगा, उसकी कैलकुलेशन के एरिया के हिसाब से हम करेंगे। तो आपने 0.675 इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपने इनपुट कर देनी है और उसके बाद आपने ये हमारे पास इधर पूरा डेटा हो गया क्रॉस सेक्शन का, हमने और कुछ भी नहीं देना। बिगनिंग ऑफ स्टेशन, बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आप उसको कह लें या बिगनिंग ऑफ स्टेशन जिधर से आप क्रॉस सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, मैं कहता हूँ मेरे 0-0 से NSL स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद एंड के ऊपर मेरे पास कितने हैं, एंड के ऊपर मेरे पास हैं सपोज 2500 तक या मेरे पास 25 किलोमीटर तक, जितने तक भी मेरे पास डेटा है वो मैं डेटा सारा इसके अंदर इनपुट करूंगा, वो एंड स्टेशन में इसके अंदर दे दूंगा। उसके बाद इस क्रॉस सेक्शंस का इंटरवल,
आपको जो क्रॉस सेक्शन पड़ेगा वो कितने कितने इंटरवल के ऊपर पड़ेंगे, 20 मीटर के ऊपर है तो आपने जैसे 20 मीटर का इंटरवल दे देना है, 25 मीटर या फीट के ऊपर है तो आपने दे देना है, 50 मीटर के ऊपर है या आप 50 फीट के ऊपर है आपने दे देना है, यूनिट आपका पास मीटर है या फिट आपने जो सा भी है वो आपने इधर से चेंज कर देना है। मैं आपको क्रॉस सेक्शन के मुताबिक बता दूँ, क्रॉस सेक्शन जो बनते हैं वो सेम टू सेम फॉर्मेट के ऊपर बनते हैं, फुट्स या मीटर्स के अंदर, डेसी मीटर के अंदर वो क्रॉस सेक्शन बनते हैं। जस्ट आपको जो फील्ड सर्वेयर साइड सर्वेयर जो डेटा आपको पास पढ़ के लेकर आता है वो फिट्स या मीटर्स के अंदर होता है, जो फिट्स या मीटर के अंदर जो भी सर्वेमेंट है वो आपने इसके अंदर इसी तरह इनपुट करना है। टिपिकल सेक्शन के ऊपर भी ये जो आपकी विड्थ दी गई होगी ये अगर आपकी मीटर्स में है तो मीटर्स में दी गई होगी, फिट्स में है तो फिट्स में दी गई होगी, फिट्स में दी गई है अगर उसने लिखा हुआ है 10 फीट और 6 इंच तो आपने 10.5 कर देना है उसको, इसी तरीके से 10 फीट और 9 इंच अगर वो बता रहा है तो आपने 10.75 कर देना, सबको फिट्स में कन्वर्ट करके और ये आपने क्रॉस सेक्शन बनाने सारे मैक्सिमम वो टिपिकल सेक्शंस के ऊपर जो भी डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है वो सारा डेसिमल के अंदर होता है, सारी अमाउंट्स उसकी जो फिगर्स है वो फिट्स के अंदर ही होती है। तो आपके पास फिट्स में आपने बनाना है या मीटर्स में बनाना है तो आपने इसी फॉर्मेट के अंदर इसी तरीके से ये डेटा सारा इसके अंदर इनपुट कर देना, तो ये हमारा डेटा इनपुट जाएगा। तो ये आप नीचे आते हैं तो ये इसके अंदर ये सारे नीचे हमारी कैलकुलेशन हैं, ये कैलकुलेशन हमारी इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इधर से आपने एरिया भी देना है, एरिया भी है इसका एक्सेल के ऊपर भी आपको क्रॉस सेक्शन का व्यू उधर बता देगा और इधर से आपके पास उसी क्रॉस सेक्शन का जो से भी आरडी आप इधर से जाएंगे हमारे पास 0+0.50 वाली आरडी आती है, ये 0+0.50 वाला उसका एरिया आ जाएगा, फिल एरिया आ जाएगा या कट एरिया आ जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम जो है ओनली फिल के अंदर और ओनली कट के अंदर काम करेगा, कट फिल के अंदर ये एरिया काम नहीं करेगा। एक्सेल में बता दूँ अगर आपके पास ऊपर कट आ रहा है और नीचे फिल आ रहा है कुछ साइडों के ऊपर तो वो इसके ऊपर ये काम नहीं करेगा, ये कट और फिल जिस या तो आपके कट वाले एरिया होगा उसके अंदर काम करेगा या फिल वाला एरिया होगा तो उसके अंदर काम करेगा, जो दरमियान में उस सेक्शन आपके आ जाते हैं आप उसको मैनुअल बना लीजिएगा। तो ये हमारे पास ये सारी इसके अंदर ये पूरी कैलकुलेशन शीट है, ये सारे फार्मूला इसके अंदर लगे हुए हैं, आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। इसके बाद ये डेटा आपने इनपुट कर देना है, इनपुट करने के बाद आपने सबसे अहम जूस जो हमारे पास है एनएसएल, ये आपने सेकंड शीट को क्लिक करेंगे, पहले नंबर के हमारे पास शीट जो है ये टोटल कैलकुलेशन की शीट है, सेकंड नंबर के ऊपर ये हमारे पास इनपुट डेटा है एनएसएल का और ये इधर आप ये देख रहे हैं यूट्यूब प्रोजेक्ट FRL फिनिश रोड लेवल दोनों आपने इसके अंदर इनपुट करने हैं। आप इसके अंदर ये जो डेटा आपके पास जा रहा है ये आप ये देख रहे हैं कि ये डेटा जो है ये आपने जस्ट इसके अंदर इनपुट करना है, बाकी जो साइडों के ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, आपने इधर से जस्ट जो आपके पास एनएसएल का फॉर्मेट है वो आपने इनपुट कर देना है। माइनस साइड से आप पहले करेंगे -50 आपने इधर लिख देना है, 70 7.12 जो एलिवेशन है आपका ना आपने इधर लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है माइनस के अंदर वो आपने इधर इनपुट कर देना है और जैसे आपने उसका एलिवेशन इसी तरीके से इनपुट करते जाना है -38 और उसके बाद 706.96। तो आप इस तरह से डेटा आपने इसको इसी तरह इनपुट करना है, आप इस दोनों के अंदर डिस्टेंस और एलिवेशन के अंदर आप डेटा जो आपके पास लिखा हुआ डेटा है किसी और जगह से उसको भी आप इसी फॉर्मेट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स वगैरह जा रहे हैं इस नंबर्स को आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए इधर रखे हुए हैं, इसको मैं इधर से हाइड कर दूंगा ताकि ये आप इसके ऊपर डिस्टर्ब ना हो। तो ये नंबर्स ये इनके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, ये हमारे वी लुकअप के जरिए फार्मूले के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो आपने इधर से डिस्टेंस और एलिवेशन इसी तरह 00 आरडी जो होगी उसके अंदर आपने इनपुट कर देना है, नेक्स्ट 50 वाला इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैंने 30 पॉइंट्स का गैप रखा हुआ, 30 नंबर्स के ऊपर आप इसको बना सकते हैं एनएसएल और डिस्टेंस को, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह 50 वाली आरडी आपने इसी तरीके से उसका डिस्टेंस और एलिवेशन जस्ट इसके अंदर इनपुट करने, ये डेटा जो आपके पास होगा इस डेटे को मैं इधर से वैसे हाइड कर देता हूँ, उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा ताकि आप उसको छेड़े ना डिस्टर्ब ना करें। तो ये आपने जैसे सिर्फ डिस्टेंस और एलिवेशन आपने कॉपी पेस्ट करना है, इधर मैं सपोज जैसे मैं कॉपी कर देता हूँ उसको, कॉपी करके मैं इधर अलहदा लिखता हूँ कि अगर ये आपके पास इसी फॉर्मेट के अंदर पड़े हुए हैं तो आपने कोई भी फॉर्मेट जो फाइल है आपकी आपने जैसे डिस्टेंस और एलिवेशन को जैसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसके ऊपर आना है और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना। तो ये आपके सामने इधर एनएसएल आपका इधर ड्रा हो जाएगा। तो ये एनएसएल क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए एनएसएल तो हम फील्ड बुक के साथ
हिसाब से इधर दोबारा एक्सेल के ऊपर लिखते ही लिखते हैं। तो आपने ये इसी तरीके से ये फॉर्मेट को आपने इनपुट करना है, जो जो से भी आर डी का आपका इंटरवल है, मैंने 50-50 का रखा हुआ है, 20-20 का है तो आप 20 का रख लें, 25 का है तो आप 25 का रख लें। तो ये शीट आपकी एंड तक जा रही है, बहुत लंबी शीट है। NSL जितने भी NSL आपके प्रोजेक्ट के हैं वो आप सारे के सारे इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट के ऊपर आपने इसको इनपुट करना है। सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास फिनिश प्रोफाइल लेवल्स है। प्रोफाइल लेवल आपने इसी तरीके से जो हमारे पास प्रोफाइल प्लान प्रोफाइल दिया जाता है, ये प्रोफाइल्स के एलिवेशंस होते हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज अपलोड की हुई है सारी, और उसके हिसाब से भी आप वर्टिकल कर्व्स के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। वर्टिकल कर्व्स के भी मेरे प्रोग्राम अपलोड हैं, मुख्तलिफ फार्मेट्स हैं प्रोफाइल के, आप उसके अंदर भी वर्टिकल कर्व का डेटा देखें। और ये जो हमारे पास FRL आए हुए होते हैं, ये आप ये देख रहे हैं कि जो पहला एलिवेशन होता है ये फिनिश रोड लेवल का होता है, या PGL जो भी एलिवेशन है, जो भी नाम है वो हमारा रहेंगे। तो आपने ये एलिवेशन को अपने इधर डिस्टेंस और एलिवेशन को इधर आपने लगा देना है, लिख देना है, मैनुअल लिख देना है। 00 है तो आपने इधर RD0 लगा देनी है, 7150 लगा देना है। अगर आपके पास इधर मैंने 10 मीटर के ऊपर लिखा है क्रॉस सेक्शन, NSL मेरे पास इधर 50-50 मीटर के ऊपर है, तो आप इसको कोई मसला नहीं है, आप 50-50 मीटर के ऊपर आए तो आप 50-50 मीटर ही इधर से ऐड कर सकते हैं। 20 मीटर है तो 20 मीटर के ऊपर ही आप इसको NSL FRL अपना दे सकते हैं। जैसे RD आपने लिखनी है और उसके ऊपर आपने जैसे अपना जो एलिवेशन सेंटर लाइन का आ रहा है आपका, ये टिपिकल सेक्शन के हिसाब से जो इधर आपको बताया जाएगा उसका एलिवेशन आपने उसके अंदर इनपुट कर देना है इस डेटे के अंदर, जस्ट एक एलिवेशन को। बाकी इस डेटा वगैरह हमारा सारा ऑटोमेटिकली इधर से कैलकुलेट होगा। तो इधर से आपने ये NSL और ये प्रोफाइल के जो एलिवेशन है सारे के सारे इन दोनों फॉर्मेट के अंदर आपने इनपुट करना है। इनपुट सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। आपने इधर से जस्ट रोड की विड्थ, उसकी पेवमेंट की स्लोप, एम्बैकमेंट की स्लोप, पेवमेंट की क्रॉस स्लोप जा रही थी, और डिजाइन स्ट्रक्चर आपने इनपुट करना है। उसके बाद स्टार्ट और एंड RD आपने कर देनी है। आपके क्रॉस सेक्शन जितने जितने इंटरवल के ऊपर बनाना चाहते हैं, जो जो से NSL आपके पास पड़े गए हैं वो डिस्टेंस इंटरवल आपने इधर से इनपुट कर देना है। उसके बाद आपने इधर से इसके NSL और इधर से आपने उसका डिज़ाइन लेवल किसी भी RD के ऊपर कोई भी आप डिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपके NSL हैं तो उसी ऊपर लगाएं, आप 30 मीटर के ऊपर भी लगा सकते हैं उसको, 40 के ऊपर भी, 50 के ऊपर भी, 10 मीटर के ऊपर भी, जो है आपने कॉपी पेस्ट करना है जो आपको ईजी लगता है। लेकिन आपके पास जो सी RD है 0+00 उसके पास 50 वाला इंटरवल है, तो 50 वाला एलिवेशन आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपके पास 0 है उसके बाद 20 वाला, अगर फास्ट है 20-20 वाली RDs है तो ये सारे एलिवेशन आपके 20-20 के ऊपर मस्ट होने चाहिए। इसी तरीके से 25 मीटर के ऊपर है, ये फिट्स के ऊपर है तो 25 के ऊपर आपके ये लाजमी होने चाहिए। तो ये आपने फॉर्मेट को इसी तरीके से इनपुट कर देना है। जब आप ये फॉर्मेट को इनपुट कर देंगे तो ये हम आपका प्रोग्राम पूरा रन करेगा सारा बहुत ही ईजी तरीके के साथ। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ बताने वाली है टो पॉइंट के मुतालिक, इसके कैच पॉइंट्स के मुतालिक। आप क्रॉसेक्शन को ओपन करते हैं तो ये आप ये देख रहे हैं कि इधर कैच पॉइंट इसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई हुई है सारी, इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट हुआ है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपने इधर से जो भी डिस्टेंस NSL का देना है इसका, वो आपने कैसे देना है। तो ये आपने रोड की विड्थ जो भी आपके पास सारी होगी, इधर से मैं लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर इसका मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और इसकी विड्थ में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास आपकी विड्थ है, उसके बाद ये हमारे पास सब ग्रेड बॉटम से लेके ये स्लोप जा रही है। तो हमारे पास इधर का जो डिस्टेंस आएगा आपने NSL जो इस टॉप पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए देनी है, इसे आगे वाले देने वो कहाँ देने हैं आपने, वो आपने इस शीट के ऊपर एंड के ऊपर इधर आ जाना है। इधर एंड के ऊपर आपने इधर इसी तरीके से आना है। तो ये आप देख रहे हैं एम्बैकमेंट की टॉप कैलकुलेशन के दो प्रोग्राम बने हुए हैं, पहला हमारा राइट साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है, और दूसरा हमारा राइट साइड के ऊपर है। तो दूसरा आप देख रहे हैं सब ग्रेड की टॉप कैलकुलेशन है हमारे पास, ये हमारे पास ऊपर लेफ्ट साइड और नीचे राइट साइड है। इधर ये जो टॉप के डिस्टेंस होंगे ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कैलकुलेट होकर, आपने इनको डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो अगर आपके टॉप पॉइंट मैंने इधर वैसे एडजस्ट किए हुए, क्योंकि NSL हमारे बाज़ औक़ात इधर ज़्यादा होते हैं किसी पॉइंट्स के ऊपर, किसी पॉइंट्स के ऊपर कम होते हैं, तो टॉप पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा इससे ख्याल रखना है कि आपके पास जो पहला डिस्टेंस आना चाहिए वो आपका इधर ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैं आ जाता हूँ इधर। तो ये हमारे पास जो आगे सेक्शन था, ये वाला सेक्शन कि इस पॉइंट से जो आपके पास मैक्सिमम एज वाला पॉइंट जा रहा होगा, आपने नीचे NSL जो है इस पॉइंट से आगे वाला देना है।
इससे आगे वाला उसके अंदर सिलेक्ट करना है आपने। ये आप ये देखना है कि ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है 26 का एनएसएल मेरे पास इधर मौजूद है, लेकिन मैंने 26 का एनएसएल नहीं देना, मैंने इधर 32 38 के दो डिस्टेंस और एलिवेशन देने। अगर आपका इसके ऊपर भी नहीं एडजस्ट हो रहा तो आप इसको 38 और 44 के ऊपर इसके डिस्टेंस और इसका एलिवेशन दोनों आपने इसके अंदर दे देना है, तो ये आपकी टॉप पॉइंट इधर से कैलकुलेट हो जाएगी। ये मुख्तलिफ एनएसएल के हिसाब से होता है। तो आपने कैसे करना है, इधर आप ये देखें 38 मेरे पास इधर सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये 38 को डबल क्लिक करेंगे तो ये आप इधर देखेंगे कि ये एनएसएल के ऊपर मेरे पास इधर से इसका डिस्टेंस सिलेक्ट है। तो अब मैं इधर से इसको खत्म करता हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा 38 का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास होगा इधर से 00 वाला, ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है इससे आगे वाले आपने देने हैं। तो 38 और 44 भी आप दे सकते हैं, 32 और 38 भी दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करके इधर से इनको आप लाजमी एक सेक्शन के ऊपर आपने इसको एडजस्ट कर देना है, उसके बाद ये आगे चलते जाएंगे। तो मैंने डिस्टेंस ख़त्म कर दी है, तो आपने इधर से आना है, तो ये जो डिस्टेंस होएगा आपका उसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, पहले वो डिस्टेंस सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिफिकल्टी लगाना है और उसी का एलिवेशन आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना। सेकंड नंबर के ऊपर आपने इसी पॉइंट से आगे वाला 38 वाला आपने सेलेक्ट करना है, और इसके बाद इसी तरीके से आपने इधर से 38 जो उसका एलिवेशन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना, तो ये आपका टॉप पॉइंट इधर से फिक्स हो जाएगा। ये सेक्शंस के ऊपर इधर आपको इधर टॉप पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये लाइन के ऊपर अगर आपके टॉप पॉइंट ऊपर या नीचे हैं तो उसका मतलब है कि ये आपको टॉप पॉइंट इधर से कैलकुलेट ठीक नहीं हुए हुए, तो आपने इधर करना है। सपोज मैं इधर से कहता हूँ कि मेरे पास पहला डिस्टेंस था इधर 20 मीटर का, और इसी का मैं एलिवेशन इधर देता हूँ 20 मीटर के ऊपर ही, तो ये आप ये देखेंगे कि लाइन इधर से मेरी ये नीचे चली गई। ये सेक्शन को मैं थोड़ा सा इधर से इधर बैक साइड पे करता हूँ आपको, तो ये आप देखेंगे कि ये सेक्शन जो हमारा एक्सेल के ऊपर बना हुआ है इधर आपको नजर आएगा कि ये पॉइंट मेरे पास इधर डाउन चला गया, तो ये मेरे पास एनएसएल के साथ मैच करना चाहिए। तो ये आपने मैचिंग करनी है, सबसे अहम जुज इस क्लास सेक्शन के ऊपर इसी का है। तो आपने मैचिंग कैसे करनी है, आपने जो लाइन आपकी अप आ रही है डाउन आ रही है आपने इसका एलिवेशन इसी तरीके से इधर से चेंज करना है। आप इसका एलिवेशन उसके बाद आप 26 का लिख के आप चेक कर लें, 26 का ही आप इधर से उसका डिस्टेंस दे दें, तो ये आप देखेंगे कि आपके पास वो उधर इस तरीके से उसको मैच करना चाहिए। तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि दोनों 26 26 के आ गए, तो आगे मैं इसको 32 सेकंड डिस्टेंस और इसी तरीके से उसका एलिवेशन मैं इधर इनपुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट मैच कर जाएगा, लेकिन अभी भी इधर से आपको नजर आएगा। तो आपने इसी तरीके से इसके डिस्टेंस और इसके एलिवेशन को आपने मैच करना है, इधर से आप उसका इसी तरीके से 32 अगर आपके पास फर्क आ रहा है 32 भी आप कर सकते हैं, और 32 का आपने एलिवेशन भी इसी जगह से आपने उसका लेना है पहले पॉइंट का भी, और इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट का भी आपने, उसके बाद आपने इसी तरीके 38 और 38 आपने इधर से उसका सेकंड डिस्टेंस को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपने इधर से इसको एक दफ़ा लाजमी करके सिलेक्ट करके इनको चेक करना है, ये आपका लेफ्ट साइड का होगा, इसी तरीके से ये आपका राइट साइड का है। हमारे पास 38 सेलेक्ट हुआ हुआ है, 38 है, इधर से मैं 38 के बजाय आप ये देख रहे हैं कि मैं ख़त्म करता हूँ उसको इज इक्वल टू करके, और इधर से मैं 26 का करूँगा, तो ये मेरे पास इधर से डिस्टेंस और उसके एलिवेशन वगैरह उसके चेंज हो जाएंगे। ये आप ये देख रहे हैं तो लाइन मेरी थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो आपने इस चीज़ को इसी तरीके से एडजस्टमेंट इसकी करनी है, और उसके बाद इनके एलिवेशन वगैरह को आपने इधर सेलेक्ट करना है। तो इधर से मैं दोबारा दूसरा एलिवेशन 32 का दे देता हूँ, और इधर से इसी तरीके से 32 का एलिवेशन मैंने इधर से दे देना है। तो ये आपने इस चीज़ को लाजमी इधर से क्रॉस चेक कर लेना है, इधर से आप जो भी एलिवेशन आपका चेंज होएगा तो ये आपके पॉइंट्स के अंदर फ़र्क आएगा। आप ये देख रहे हैं कि ये इधर से मैंने एलिवेशन चेंज किया तो ये मेरे पास लाइन नीचे चले गई है, इसी तरीके से मैं ऊपर वाले एलिवेशन को भी चेंज करूँगा तो ये लाइन मेरी अप या डाउन चली जाएगी। जो भी डिस्टेंस मैं इधर से इसका चेंज करूँगा तो ये मेरी लाइन ऊपर और नीचे इसकी जाएगी। आपने इस इसका इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है। तो आपने इधर से पहला डिस्टेंस जो लेना है वो मैंने आपको बता दिया, इधर से मैंने 32 या 38 का मैंने लिया हुआ था, इसी तरीके से आपने इज इक्वल टू करना है, 38 का एलिवेशन आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है इज इक्वल टू करके, उसके बाद इज इक्वल टू करना है, और उसके बाद 44 का डिस्टेंस और 44 का जो एलिवेशन का होगा एलिवेशन वो आपने कर लेना है, तो ये आपकी लाइन इधर मैच हो जाएगी। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो ये आपने सारी वर्किंग इसके अंदर इसी तरीके से करनी है। तो आपने ये जो रेड वाले सेल हैं इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, इनके अंदर आपने एनएसएल वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आपने इसकी कैलकुलेशंस को सेट करना है, चेक कर लेना है। तो ये सारी वर्किंग हमारी होएगी, तो उसके बाद ये सारा का सारा प्रोग्राम हमारा
रन करेगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं आगे क्रॉस सेक्शन आर डी 0+200 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास आया हुआ है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका था वन क्लिक के ऊपर कि आपने एरिया और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, इससे पहले वाली वीडियो है उसके अंदर भी आप ये सारा फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है आपको। उसके वो सिर्फ मेरा था एक्सेल का प्रोग्राम, इसके अंदर मैंने आपको ऑटो कैड का प्रोग्राम भी बताया कि ऑटो कैड के ऊपर आप सेक्शन को कैसे ड्रा करेंगे। तो ये एरिया की कैलकुलेशन हुई हुई है सारी, एरिया आपने उसी तरीके से कैलकुलेट करना है एक्सेल के अंदर, इसका पूरा फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एरिया एक्स और वाई है, एक्स डिस्टेंस ये हमारे पास इधर से स्टार्ट हो रहा है इधर तक आ रहा है पूरा, ये हमारा सब ग्रेड की लाइन है, सब ग्रेड की लाइन इधर माइनस से स्टार्ट होके इधर तक हमने इसके एलिवेशन डिस्टेंस लेने हैं, उसके बाद लो पॉइंट का, उसके बाद एनएसएल के जिस तरह जा रहे हैं इसी तरह ले जाके और ऊपर हमने इसको क्लोज करना है। आप ऑटो कैड के ऊपर आते हैं तो ऑटो कैड के ऊपर मैं इधर आपके सामने आ जाता हूँ। इधर ये आप ये देख रहे हैं कि इधर मेरे पास जो सेक्शन होएगा इधर हम इसका सेक्शन ये वाला सेक्शन है 0+200 का, तो ये हमारे पास आर डी खुली हुई है इधर 0+200 वाली, ये आप ये देख रहे हैं 0+200 वाली है। मैं इसको दोबारा क्रॉस सेक्शन को फ्लाट करके बताता हूँ आपको। तो ये नेक्स्ट आर डी को मैं जैसे प्रेस करता हूँ और ऑटो कैड के ऊपर आ जाता हूँ इधर, तो इधर से न्यू विंडो के ऊपर मैं आता हूँ इधर और उसके कमांड बार में मैंने इसको इधर पेस्ट कर देना है। ये देखें ये हमारे पास पूरा क्रॉस सेक्शन इसका प्लाट हो गया है, इसका एरिया हमारे पास 379.575 और इधर हमारे पास इसका एरिया है 371.58 इधर कैलकुलेशन के अंदर और इधर भी हमारे पास 371.58। तो ये एरिया हमने एक्सेल के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस एरिया को हमने कैसे कैलकुलेट करना है ये आप ये देख सकते हैं स्टार्ट से इधर जिस तरह एरिया कैलकुलेशन है कि ये जिससे हमने इधर एंड पे आना है, इसके डिस्टेंस और एलिवेशन दोनों लेने हैं, उसके बाद 29 का हमारे पास आ जाएगा। तो इधर से हम स्टार्ट से हुए हैं और इधर तक आ गए हैं बिल्कुल नीचे तक, इधर से ही हमने एन एस एल का एलिवेशन लेने अपने नेक्स्ट टॉप पॉइंट का, ये एन एस एल का एलिवेशन हमारे होंगे। इसी तरीके से इधर हमारे पास लास्ट आया था 29.34, तो इससे आगे वाला जो डिस्टेंस होगा 26, 20, 14, 8, 0, 8, 14, 26, 26, तो इधर तक ही हमने इसके डिस्टेंस और एलिवेशन देने हैं और उसके बाद लास्ट में वही एरिया ऊपर टॉप वाला देना है और कंप्लीट कर लेना है। तो ये पूरा फॉर्मेट हमारे पास इस तरह का बना हुआ है, तो ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसको ऑटो कैड के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि इधर से हमने इधर से हम जो एरिया लेंगे मैं इसके इधर से कॉपी कर लेता हूँ बॉटम ऑफ सब ग्रेड और नीचे एन एस सी को इधर कॉपी करके इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा कॉपी की कमांड और इधर मैं ऑटो कैड से इसको बाहर रख देता हूँ। इधर मैंने इसकी बाउंड्री ले लेनी है वीओ बाउंड्री, उसके बाद एरिया डबल ए और वो प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं एरिया 37 पॉइंट, इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये एरिया आ गया हमारे पास 37.5713। तो ये एरिया को मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ तो ये एरिया हमारे पास इधर आया हुआ और ऑटो कैड के ऊपर भी हमारे पास एरिया वही है। तो ये एरिया हमने कैसे कैलकुलेट करना है इसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है अपनी विड्थ के हिसाब से, ये टॉप तो हमारे पास वही आएगा सेम टू सेम जो हमारे पास है, ये आपने टॉप का यही एलिवेशन आएंगे हमारे, आपने जस्ट इधर से एन एस अलग-अलग करने हैं। कैसे करने हैं आपने इधर से, मैं ये हमारे पास एक्स और वाई वाला फॉर्मेट है, इधर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं इधर से इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, आपने इसके अंदर बना लेना। मैं बना के आपको बताता हूँ, आपने 0-0 करना है, ये 28 वाला डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने इधर नीचे तक पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास 0-0 आ गया, इधर से आपने ख़त्म कर देना है, ये लास्ट एलिवेशन हमारे पास डिस्टेंस आया ये वाला, इनको आपने इधर सेलेक्ट करना है, उसके साथ आपने उसको बढ़ा देना है तो ये आपके एलिवेशन भी उसके साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ये 29 के डिस्टेंस आ गया, इसके बाद आपने इक्वल टू करना है जैसे इसी तरीके से, और ये 29 के बाद जो एन एस एल हमारा आ रहा होगा वो आपने देना है। 29 के बाद हमारा 26, आपने जैसे 26 इसके अंदर इनपुट कर देना है। मैं इधर से ये कॉलम को थोड़े से मैं हाइड कर देता हूँ उधर से, ताकि ये हमारे पास इधर थोड़ा सा स्पेस सामने आ जाए दोनों साइडों के ऊपर से, मैं इसको हाइड कर देता हूँ उधर से ताकि ये थोड़ा सा एक इजी फॉर्मेट के ऊपर आ जाए। तो ये 28 हमारा 26 आया, उसके बाद आपने इधर से 20 कर देना है, उसके बाद इक्वल टू करना है, आपने इधर से 14 कर देना है, इसके बाद इक्वल टू करना है 8, उसके बाद इक्वल टू 0-0, ये 0-0 है, उसके बाद -8 डिस्टेंस है, उसके बाद आपने इक्वल टू करना है 14 और उसके बाद इक्वल टू करना है 20
उसके बाद इज इक्वल टू करना है आपने 26, तो ये हमारा लास्ट डिस्टेंस आ गया 26 का, इधर आप ये देख रहे हो माइनस वाला। तो इसके बाद जो हमारे पास था ऊपर हमारे पास 28.21 का था, तो ये 26 के बाद हम 32 के ऊपर चले जाते हैं, तो ये डिस्टेंस हमने डिस्टेंस ऐड नहीं करना। तो आपने इसको इसी तरीके से दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, तो इधर आपने इसके साथ सामने पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास इसका एलिवेशन भी उसके आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में जिधर आपके पास ये ख़त्म हो रहा है आपने इक्वल टू करना है, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस जो था आपने इसको दोबारा इधर लगा देना है और इसको इक्वल टू कर लेना है, इस एलिवेशन के साथ लगा देना है। तो आप ये एलिवेशन लगाएंगे तो आप ये देखेंगे एरिया हमारे पास इधर वही आ गया। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इधर आपकी एलिवेशन हो सकता है ज़्यादा हो, ये मैंने एक फिक्स फॉर्मेट के ऊपर बनाए हुए सारे। तो इधर से अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा आते हैं तो आपने इस डिस्टेंस से जो आपके पास ऊपर वाला आएगा, इससे आगे वाले जो एन एस एल के जितने डिस्टेंस होंगे इस पॉइंट तक, क्योंकि आपने इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक के जितने आपके एन एस एल के डिस्टेंस वगैरह होंगे वो सारे के सारे आपने इधर लगाने हैं। लगाने के बाद आपके पास जो ऊपर आपने डिस्टेंस और एलिवेशन दिया गया होगा उसके हिसाब से आपने इधर इसको पेस्ट करके उसको लगा देना। तो आपने ये एरिया और उसके बाद ये टॉप पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, इधर इन दो दो एलिवेशन को आपने इधर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी आपने लाजमी चेंज कर देना, चेक कर लेना एक दफ़ा, और चेक करने के बाद आपने अपने उसको आप रन करते जाएंगे तो ये आपका एग्जैक्ट होता जाएगा। तो ये एरिया आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है, लास्ट में ये एरिया आपके पास आया हुआ है। एरिया के मुताबिक मैं 3-4 वीडियो अपनी एक्सेल की अपने मेरे चैनल के अंदर मौजूद है कि ये आप एक्सेल के अंदर कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप उधर से जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं अगर करूँगा तो ये टाइम मेरा काफ़ी लग जाएगा। तो ये फॉर्मेट पूरा बना हुआ है सारा, आपको मैंने इनपुट का मेथड बता दिया, आपने इस सेल के अंदर इसी फॉर्मेट में आपने डिस्टेंस और एलिवेशंस को ऐड करने और नीचे उसका एरिया आ जाएगा। एरिया की मैं 2-4 वीडियो मेरे चैनल के अंदर एक्सेल के अंदर एरिया कैलकुलेट करने की अपलोड आएंगी, आप उसको उधर से देख सकते हैं। तो ये आइए इसमें सबसे अहम जूस ये चीज़ें थी जो मैंने आपको इधर बता दी हैं। अब आपने इसके अंदर जस्ट इधर से एलिवेशंस और उसके सारे डेटा को आपने इसी तरह बना देना है। उसके बाद लास्ट में कैट फॉर्मेट के नाम पर आप फोल्डर बना हुआ है सारा, ये इसके अंदर सारी इसकी कमांड्स वगैरह लगी हुई, आप उसको देख लीजिएगा। पूरा ओपन चैनल मैंने ये इसको फोल्डर को रखा हुआ, सारे स्पीड शीट भी ओपन है, आप इसके अंदर से सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन आपने इसको छेड़ना नहीं है। अगर आप छेड़ेंगे तो आप इसको सेव एज करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको खुद बना सकते हैं अपने हिसाब में। ये पूरी चीज़ इसकी कैलकुलेशन सारी इधर बनी हुई है इधर से। तो अभी आपने ये डेटा इनपुट करने के बाद आपने सबसे पहले 00 एक आईडी दे देनी है, माइनस पे चला जाना है आपने, तो इधर से आपने नेक्स्ट आईडी को प्रेस करना है। नेक्स्ट आईडी को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास 00 वाली आईडी आ जाएगी और उसका नीचे क्रॉस सेक्शंस का व्यू आ जाएगा। आप इसी तरीके से नेक्स्ट करते जाएंगे और ये सारे क्रॉस सेक्शंस का व्यू आपके सामने आता जाएगा। आप इधर से इनके टॉप पॉइंट्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। इधर से सबसे पहले आपने बनाने के बाद इधर से उसको चेक कर लेना है, जिधर आपका पॉइंट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उधर से आपने नेक्स्ट शीट के अंदर एन एस एल फॉर्मेट के अंदर आपको जो मैंने टॉप पॉइंट की कैलकुलेशन के मुताबिक बताया उधर से आपने इसको चेक कर लेना है। तो अभी आपका ये हमारा था फिलिंग सेक्शन, फिल सेक्शन आपने इस तरह इसका इनपुट करना है, इसका डेटा आपने देना है। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये आगे हमारे पास कट वाला आ गया सेक्शन। कट वाले सेक्शन के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, आपके पास सेम टू सेम आपने ये डेटा इसी तरह इनपुट कर देना है। इधर आपके पास जो स्लोप जा रही होगी उसको आपने माइनस 1.5 के ऊपर कर देना है, 1.5 जो स्लोप जा रही है उसके ऊपर कर देंगे, या माइनस 2 की स्लोप जा रही है हॉरिजॉन्टल की स्लोप उसको आपने चेंज करना है, तो ये क्रॉस सेक्शन आपका सेट हो जाएगा। वर्टिकल जो फिल वाला एरिया होगा उसके ऊपर आपने 2% के 2 माइनस साइन के साथ लगानी है, विदाउट माइनस साइन के साथ लगानी है, और जो आपका कट वाला एरिया होगा उसके साथ आपने जो हॉरिजॉन्टल स्लोप होगी वो आपने -2 के साथ आपने इसको इधर लगा देनी है। तो ये वर्किंग सारी इसी तरह होगी, ये सारे मैं सेल इधर से हमने हाइड कर देता हूँ जो मैंने हाइड किए थे सारे, तो आपने ये इधर इसकी वर्किंग इसी तरह करनी है। फिर आपका होगा तो आपने प्लस के अंदर स्लोप देनी है और माइनस के अंदर कट वाले एरिया के अंदर देनी है, तो ये आपका एरिया इधर से कट वाला एरिया आपके सामने इधर ड्रा हो जाएगा। तो आपने ये सेक्शनों को इसी तरीके से आपने इनको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट आईडी, प्रीवियस आईडी आप चेक करना चाहते हैं, आपके पास जो जो क्रॉस करके जाएंगे उसके हिसाब से आपका ऑटो जाएगा। आपने इसको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है और इधर आपने इसको प्लॉट कर देना है, कमांड बार के ऊपर आना है और इधर से आपने प्लॉट कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि आपका पूरा क्रॉस सेक्शन, कम्प्लीट क्रॉस सेक्शन जो आपने दिया गया होगा उसके एन एस एल के डिस्टेंस, एलिवेशन, डिज़ाइन लेवल, सारे हर चीज़ इधर एरिया वगैरह पूरा क्रॉस सेक्शन का फॉर्मेट बन जाएगा और सारी लेयर्स
ऊपर इसकी बनी हुई होगी। तो अभी आपने ये देखना है कि ये आगे हमने इधर अपने फिल एरिया और कट एरिया को हमने कैसे इसके अंदर इनपुट करना है। अगर ये डेटा हम इसके अंदर इनपुट करेंगे, ये सारे फार्मूलाज इधर लगे हुए हैं इसके अंदर फिल और कट वाले, और पूरा इसका डिस्टेंस ये ऑटोमेटिकली आरडी के हिसाब से आपका इधर आ जाएगा। तो आपने जो स्टार्ट आरडी दी थी वो इधर आ जाएगी हमारे पास, ये स्टार्ट आरडी और इधर एंड आरडी जो दिए इसके बिटवीन ये पूरा कैलकुलेशन करके देगा। तो आपने ये आरडी इसी तरीके से इनपुट कर देनी है और ये पूरा फॉर्मेट इधर एंड तक बिल्कुल एग्जैक्ट ये सारा बना हुआ है। सारा ये आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने पूरा फॉर्मेट है सारा। तो ये फॉर्मेट आपने इसी तरीके से इसको बनाना है, और इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। ये आपने फिल एरिया आपके अंदर है, इधर इधर ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इधर आपके पास आ रहा है इधर। तो आरडी हमारे पास माइनस वन है, आपने नेक्स्ट आरडी करनी है। तो ये पहला क्रॉस सेक्शन हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर के अंदर। तो वो आपने एरिया इधर 355.83 इधर से ही देख के पहले नंबर के ऊपर इधर लिख लेना है। तो इसके मतलब थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि इस फार्मेट को अगर आप इधर से ख़त्म कर देते हैं, सारा फार्मेट इधर से मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, तो ये आप ये नीचे देखेंगे हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है। आपने पहले जो एरिया है वो आपने इधर जस्ट इसके अंदर इनपुट करना है 355.83, तो ये हमारे पास इधर इसका एरिया आ जाएगा पहला एरिया। उसके बाद आपने इधर से इसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट आरडी, नेक्स्ट आरडी करेंगे तो ये सेकंड नंबर की जो आरडी होगी हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 388.22। ये आपने इधर इनपुट कर देना, तो ये आगे आपकी कैलकुलेशन आप देखेंगे आपकी आरडीज और इसके सारे फिर एरिया वॉल्यूम्स वगैरह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट कर देना है, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया 364.80। ये आपने इधर इनपुट कर देना है और इसी तरीके से आप इधर से क्लिक करते जाएंगे और जो जो एरिया आपके सामने आ रहा है वो आप इधर से इसके अंदर इनपुट कर देंगे। इधर से देखते जाएंगे एरिया और वही आरडी और इसके सामने ये आपका कैलकुलेशन सारी बनती जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आरडी आप कर देंगे 398.97 आप इधर से इसके अंदर इनपुट कर देंगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट करते जाएंगे 467.45। उसके बाद आपने इधर से इसी तरह नेक्स्ट कर देना है 422.69। इधर से आपने ये एरिया इसी तरीके से इनपुट कर देना है। आपने आपके सामने इधर एरिया आता जाएगा सारा और ये एरिया आपने इधर बना देना है सारा, तो ये आपके टोटल प्रोजेक्ट की भी कॉस्ट इधर आ जाएगी। तो ये आपने इसी तरीके से नेक्स्ट आरडी करते जाना है और जिधर जिधर जो जो सी आरडी के ऊपर जो जो सा भी आपके पास इधर आ रहा है स्क्वेयर फुट एरिया स्क्वेयर मीटर एरिया, वो आपने इधर उसके साथ प्रॉपरली इसी तरीके से इनपुट करते जाना। तो ये भी मेरे पास नेक्स्ट आ गया 389.05। तो ये आपने इस तरह इनपुट कर देना है पूरे पूरे एरिया को, दोनों से भी क्रॉस सेक्शन आपके सामने एरिया आ रहा है 458.69। इसी तरीके से नेक्स्ट 381.12 और इसी तरीके से नेक्स्ट आरडी आपने करती जाना है और 386.64। ये आप ये देख रहे हैं कि जो जो सा भी मैं इधर क्रॉस सेक्शन को एरिया लिख रहा हूँ तो वो आगे उसकी सारी कैलकुलेशन इधर आपके सामने आती जा रही है। 650 का क्रॉस सेक्शन है 472.73। ये आपने इधर इनपुट कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट फिर आपने आ जाना है आगे 422.84 ये आपने इनपुट कर देना है इसके अंदर। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट आरडी प्रेस कर देनी है 437.39। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया 355.51। इसके बाद नेक्स्ट आपने कर देना है 347.25। इसके बाद आपने इधर से नेक्स्ट इसको फिर कर देना है तो ये 84.02। और इधर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर कट सेक्शन स्टार्ट हो गया। कट सेक्शन के साथ आपने स्लोप इसकी चेंज कर देनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया स्लोप को चेंज करने के बाद ये आपका एरिया आ जाएगा कट सेक्शन इन कट। ये आपका कट वाला सेक्शन है, इधर आपको कट वाला सेक्शन बताएगा ऊपर आरडी और 115.47। तो कट वाले एरिया आपने इधर लिखना है इस जगह के ऊपर, ये जो कट एरिया है इधर आपने लिखना है ये एरिया 115.47। ये आपने इस तरह इधर इसके अंदर लिख देना। तो इधर से मैं आपको बता दूँ कि ये सेक्शन को मैं इधर से ख़त्म करता हूँ, ये भी आप देखेंगे पूरा सेक्शन मेरे पास इधर ख़त्म है। तो इधर से आपने ये करना है कि इधर आपके पास स्क्वेयर फिट एरिया इधर फील्ड में नहीं है तो आपने इधर से उसको ज़ीरो कर देना है, ज़ीरो करना है। और इसके बाद आपने ये वाला एरिया 115.47 इसके सामने इधर
लिखना है इधर 115.47, तो ये आपका कट एरिया आ जाएगा और साथ उसका कट वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है तो 201.23, तो आपने इधर इसको फिट एरिया को आपने ज़ीरो करना है और इधर आपने 201.23 ये एरिया आपने इधर इसके अंदर ले देना है कट का। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इसको करते जाएं और इधर जो एरिया आपका आ रहा है 248.61 और इधर आपने फिर एरिया 0 करना है। तो ये आप फिर एरिया इधर कटेंगे तो इधर आपकी आईडी आएगी और सारी कैलकुलेशन इसकी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एरिया आपने 209.65 आपने इधर लिख देना है और आगे मैं आपको जस्ट वैसे बता देता हूँ 210.15 और ये आपने इधर आगे इसी तरह इसके साथ 00 इधर इनके सामने इधर लगाते जाना है इधर, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा सारा कट वाला भी और फिल वाला भी। आपने कट वाले एरिया के साथ अगर आपके पास स्टार से कट एरिया आ रहा है तो आपने इधर सारे वैल्यू 00 की लगानी है। ये फिल वाले एरिया के अंदर 00 लगाएंगे तो ये फॉर्मेट आपका काम करेगा। इधर आपने फिल एरिया के ऊपर फिल एरिया लिखते जाना है और कट एरिया के ऊपर आपने कट एरिया लिखते जाना है, तो ये आपके पास ऊपर जो ये आपको नजर आ रहा है टोटल फिल एरिया, ये आपका ऑटोमेटिकली इधर से कैलकुलेट हो जाएगा। जितना भी अभी मैं कट एरिया इधर से खत्म कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे ऊपर मेरे पास कट एरिया इधर 00 आ जाएगा। इसी तरह फिल एरिया है इसको भी मैं इधर से अगर 00 करूँगा ये मेरे पास सारा इधर आ जाएगा 00 क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो आपने इधर से जो सी भी वैल्यू इसकी लिखते जाना है उसी तरीके से ये आपकी सारी कैलकुलेशंस वगैरह सारी उसी तरीके से ये होती जाएंगी और आपकी इधर मेजरमेंट शीट भी सारी कंप्लीट होती जाएगी। तो अभी आपने देखा कि ये एक बहुत यूज़फुल वन क्लिक प्लॉट क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट एरिया फिल एंड कट वॉल्यूम इन एक्सेल एंड ऑटोकैड। तो ये आपको एक्सेल के अंदर भी पूरा स्केच बनाएगा बता के और आपको ऑटोकैड के अंदर भी और नीचे इसकी पूरी कैलकुलेशंस भी वो आपको सारी बताएगा। तो आपने ये इनपुट डेटा जो है सारा इसको अपने टिपिकल सेक्शंस के हिसाब से बना देना है। स्टार्ट एंड आरडी आपने लिख देनी है, यूनिट आपने लिख देना है और यूसीएस के मुताबिक मैं आपको पहले पूरी डिटेल में मैंने पूरे क्रॉस सेक्शन बता दिए। उसके बाद आपने इधर से जीरो करना है, नेक्स्ट आरडी जो भी आपकी आ रही होगी इधर से कट और फिल के हिसाब से आपने उसके स्लोप्स को इधर एडजस्ट करना है और ये बाकी फॉर्मेट को आपने इधर डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये इधर से आप ये देख रहे हैं कि आपने आपको मैंने ये एरिया कैलकुलेशन मुताबिक बताया कि आपने इसके अंदर अपनी सेटिंग करनी है अपने एरिया के हिसाब से, उसके मुताबिक मैंने आपको बताया। और उसके बाद इधर आपके पास इधर एनएसएल आपने कैसे लगाने हैं और सिर्फ आपने डिस्टेंस और एलिवेशन इधर लगाना है और आपने कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आपने प्रोफाइल का आपने जो जो से भी डिस्टेंस के ऊपर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है आपने उसका लेवल इधर लिख देना है, सिर्फ लेवल लिख देना है या मेरी कैलकुलेशन की शीट अपलोड है वर्टिकल कर्व्स के हिसाब से आपने उधर से इसको कैलकुलेट करके उधर लेवल्स डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो उधर ये इसके बाद ये हमारे पास ये कैलकुलेशन बैक कैलकुलेशन है इसकी, इसको आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। इधर मैंने आपको इसके अंदर ये आपको कैच पॉइंट या टो पॉइंट के मुताबिक बताया कि आपने इसके डिस्टेंस कैसे एडजस्ट करने हैं। ये डिस्टेंस आपने लाजमी एडजस्ट कर लेने हैं, इसमें ये डिस्टेंस जो दोनों आपके डिस्टेंस हैं इधर मेन हमारे पास टो पॉइंट जो बैकमेंट की टो होगी उसके हिसाब से ये आपने इधर एडजस्ट करने हैं सारे डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इधर आपने स्लोप लिख देनी है, स्लोप ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे ये आपका लेफ्ट साइड का टो और एलिवेशन इधर आ जाएगा और इधर राइट साइड का टो और एलिवेशन इधर आ जाएगा। तो आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने इधर कैच पॉइंट्स वाले दोनों कॉलम्स का ख्याल रखना है और उसके बाद आपने इधर एरिया के ऊपर जो सी भी आपकी आरडी आ रही है इसके हिसाब से डिज़ाइन के हट से ये आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आएगा। इसके अंदर अगर आपके कुछ एलिवेशंस हर आरडी के ऊपर आपके ज़्यादा या कम हो सकते हैं उसके सिलसिले में आपने इधर उनको बना देना है, उसको लिख देना है, इनको एरिया को लिखना है और इधर से आपने अपने एरिया वाले चार्ट के अंदर उसको एडजस्ट कर देना। उसके मुताबिक मैंने पूरी डिटेल बता चुका हूँ। अभी आपने इधर से उसके बाद मैंने आपको टोटल फिल एरिया के मुताबिक बताया, टोटल कट एरिया के मुताबिक बताया कि ये आपको कैसे आएगा, ये आपने इंक्रीज कैसे करनी है फिल एरिया की और कट एरिया की। अभी आपने इसी तरीके से दोनों ऑप्शन आपके सामने है, आपने इधर से नेक्स्ट आईडी से प्रेस करते जाना है और ऑटो कैड के ऊपर आना है और इधर से आपने न्यू के ऊपर क्लिक करके अगर अलग अलग ट्रांसेक्शन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपने इधर से नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करके इधर आपने पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो ये पूरा ट्रांसेक्शन वगैरह जो भी होगा ये इधर आपके सामने इधर बनता जाएगा सारा। मल्टीपल ट्रांसेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इधर से मैंने आपको उसका डिस्टेंस बता दिया, आपने इधर यूसीएस के ऊपर आना है
मतलब ये जो आपको दोनों वाइट सेल नज़र आ रहे हैं इसके अंदर आपने डिस्टेंस लिखना है, नेक्स्ट आरडी आपने चेंज कर देनी है, सिंगल आरडी भी बना सकते हैं और एक ही ऑटोकैड की विंडो के अंदर मल्टीपल ट्रांसेक्शंस को भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है। आप उस प्रोग्राम को थोड़ा सा टाइम लगा के आप उसको समझ लीजिएगा, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है इसका, और ये आपको बहुत बेनिफिट देगा आपके वर्क के हिसाब से और बहुत आपका टाइम को ये सेव करेगा। इसके अंदर एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बताऊँगा कि ये मेरा जो प्रोग्राम रहेगा ये कट और फिल के लिए, टोटल कट और टोटल फिल के लिए आपका एमएसएल इस तरीके से जा रहा है, ये आपको सामने में ध्यान लेकर लगा तो चेंज करके थोड़ी सी मैं अपडेट आपको और दे दूं। तो आपका अगर कोई क्रॉस सेक्शन इसी तरीके से आता है और इधर से ये कुछ कट ये आ रहे हैं, इधर ये आपके पास इसी तरीके से ये जा रहा है, तो ये जो कुछ आपके क्रॉस सेक्शन होंगे आपने ड्रा फॉर्मेट इसी के अंदर उसको बना देना है, एनएफएल आपका सारा लग जाएगा, उसके अंदर जो एरिया होगा एरिया आप चेंज करेंगे। कट और फिल वाले सेक्शंस के अंदर आपने इसी से ख्याल रखना है, ये कट और फिल के लिए नहीं है, ये ओनली फिल और ओनली कट के लिए है। तो ये इस टाइप के जो क्रॉस सेक्शन आपके होंगे उन क्रॉस सेक्शन का आपने एरिया अलग अलग निकालना है और इधर अपना कट और फिल दोनों एरिया आपने लिख देने हैं क्रॉस सेक्शन को इसी तरीके से ड्रॉ करने के बाद। ये बहुत सिंपल सा ईजी प्रोग्राम है, आपने इसका डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा की तरह दे दूंगा। इसके अंदर किसी किस्म की लिप्स यूज़ नहीं हुई है, सारा सिंपल एक्सेल के अंदर ये पूरा प्रोग्राम बना है और जैसे आपने उसको क्लिक करना है और ऑटो कैड के ऊपर जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है, तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन सारा उसी हिसाब में ये सारे बन जाएंगे, सारे क्रॉस सेक्शन जिसका मैंने आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके क्रॉस सेक्शन उसी तरीके से बनते जाएंगे जिस तरीके से ये मैं इधर बता रहा हूँ। तो आपने इसके फॉर्मेट को समझ लेना है, इसका इनपुट आउटपुट मेथड को आपने समझ लेना है और इसके हिसाब से अपने काम को आपने इजी करना है। तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।